जय हिंद। अगर आप भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप फंस जाओगे। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर देना, अगर अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग हमेशा जब होटल बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए तो देना ही पड़ता है आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए। तो जो आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि दो टाइप के आधार कार्ड होते हैं, एक रेगुलर आधार कार्ड, एक मार्क्स आधार कार्ड। तो हम क्या करते हैं, हमेशा रेगुलर आधार कार्ड उनको दे देते हैं। तो रेगुलर आधार कार्ड देने का मतलब यह है कि वो उसकी एक कॉपी उसके पास रह जाती है होटल वाले के पास, वो हमारे आधार कार्ड का मिसयूज कर सकता है या सिम निकाल सकता है या अदर चीज़ में आपका आधार कार्ड इस्तेमाल करके आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो इसका उपाय क्या है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने हमें दो टाइप के आधार कार्ड दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दो टाइप के आधार कार्ड दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, एक रेगुलर आधार कार्ड, एक मार्क्स आधार कार्ड। ठीक है, तो रेगुलर आधार कार्ड क्या होता है और मार्क्स आधार कार्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। जो रेगुलर आधार कार्ड है उसमें जो 12 डिजिट नंबर है आधार कार्ड का, वो पूरा क्लियर मेंशन किया रहता है। लेकिन आपने गौर किया होगा जो मार्क्स आधार कार्ड होता है उसमें 8 डिजिट क्रॉस रहता है, ठीक है, केवल 4 डिजिट ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आधार कार्ड होते हैं तो उसको मार्क्स आधार कार्ड बोलते हैं। तो मार्क्स आधार कार्ड इसलिए लाया गया है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम एड्रेस प्रूफ के लिए कोई अपना डॉक्यूमेंट देते हैं तो रेगुलर आधार कार्ड दे देते हैं, लेकिन आपके बाद से आपको क्या करना है, तो मार्क्स आधार कार्ड देना है। अब ये बात आती है कि उसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने की प्रक्रिया मैं बताता हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है कि एम आधार कार्ड का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो एम आधार आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे 12 डिजिट का नंबर आपको जो आपका आधार कार्ड है उससे क्या करना है, साइन इन कर लेना है। एक OTP आएगा, उसके बाद आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद यहाँ पर आपको दो टाइप सेलेक्ट करने के लिए आएगा, एक रेगुलर, एक मार्क्स आधार कार्ड। ठीक है, तो आपको मार्क्स आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपना नंबर डालना है, इसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये आपको डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको प्रिंट आउट करके होटल बुकिंग वगैरह करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो पा रहा है डाउनलोड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि जो मार्क्स आधार कार्ड है उसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो प्रीवियस वीडियो में है उसमें भी मैंने ये इसके बारे में बता रखा है कि रेगुलर आधार कार्ड और मार्क्स आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।